हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल कपिल्स रसोई में। आज बनाने जा रहे हैं पोहा डोसा, तो चलिए अभी रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पोहा डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए पोहा, रॉ राइस, नमक, मेथी ये ऑप्शनल है, और ऑयल। यहाँ पे मैंने चावल और पोहा को अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें अब डालेंगे गरम पानी, ये 1 कप डाल देंगे इसमें, और पोहे में 1/2 कप गरम पानी डाल देंगे। फिर ये चावल में मेथी को डाल देंगे। अब इसे ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद चावल अच्छी तरह से सोख हो चुका है। तब एक ग्राइंडिंग जार में इसे हम ग्राइंड कर लेंगे डाल के। पानी हम एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए चावल ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें डालेंगे ये भिगोए हुए पोहा। फिर इसमें डालेंगे हल्का सा पानी और इसे भी इसके साथ अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। बैटर को मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मिला लेंगे इसे। बैटर हम लोग का बनके तैयार है। अब चलिए डोसा बनाते हैं। डोसा बनाने के लिए पैन मैंने गरम कर लिया है। इसमें ये बैटर को डालेंगे। अब इसे धीरे धीरे करके स्प्रेड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब इसे एक साइड 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। कुछ टाइम के बाद इसे हम पलटा देंगे और इस तरह से इसे प्रेस कर लेंगे, और दूसरे साइड भी 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। एक मिनट के बाद ये डोसा हम लोग का तैयार है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बाकी के बचे बैटर को भी डोसा बना लेंगे, फिर इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये पोहा डोसा का रेसिपी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक बताइए।